हैं इंग्लिश के टीचर चेतन राजपुरोहित जी, उनसे बात करते हैं। सर, हमने कल भी बात की थी, क्योंकि इंग्लिश दो सब्जेक्ट से जुड़ जाता है, एक भाषा वन और एक भाषा टू। तो उस मद्देनज़र लेवल टू के आज दो चरणों के एग्ज़ाम जो हुए, किस तरह के रहे? सर, दोनों ही पारियों में एग्ज़ाम होने के बाद आज खूब सारे स्टूडेंट्स का जो फीडबैक मिला हुआ है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि कल की कंपैरिजन में आज जो इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे हुए थे वो काफ़ी आसान थे। जैसे कल की तरह ही आज भी फोनेटिक्स से रिलेटेड लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। टीचिंग मेथड के भी ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस थे, लेकिन टीचिंग मेथड्स में भी कल के कंपैरिजन में आज क्वेश्चंस बड़े आसान थे। और एक चीज़ मैं और कह सकता हूँ कि जो पिछले 3 से 4 जो पेपर्स हुए हैं रीट के, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस लैंग्वेज चेंज करके आज के एग्ज़ाम में दिए गए हैं। तो मैं मतलब इस पेपर में फीडबैक के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट भी इंग्लिश में 25+ स्कोर आसानी से कर सकता है। लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ तो इतने सिंपल क्वेश्चन जो इवन पिछले एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है, उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करके इस एग्ज़ाम में दिया है। तो इंग्लिश जो है वो उनके जो कट ऑफ क्लियर करने के लिए इंग्लिश जो है वो काफ़ी हेल्पफुल उनके लिए रहने वाली है इस बार।